आखिरकार मेरी दुआ कबूल हो ही गई। अच्छी खुशफहमी है, जो सच्चे दिल से मांगा जाता है खुदा वो एक दिन जरूर अदा करता है। तुम कितने खुशकिस्मत हो कि हमारा खुदा तुम्हारे जैसों की भी सुन लेता है। मुबारक हो तुम्हें। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं अशरफ। किस बात का? अगर आज मैं इस यूनानी वर्दी में हूं तो, और यूनानी फौज का जनरल वसीली बना हूं तो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बदौलत। और आज अगर पूरे स्मिरनी पर काबज हूं तो उसकी वजह तुम हो, वरना अब तक मैं एक मामूली किसान की जिंदगी गुजार रहा होता, या फिर मैं उस्मानियों के हाथों मारा गया होता। मगर किस्मत में कुछ और था जो आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अगर उस रात तुमने मेरा घर चलाकर मेरी तकदीर बदल दी। अच्छा, 20 साल पहले हालात बहुत मुख्तलिफ थे वसीली। उस्मानियों के खिलाफ बगावत करने वाले कुछ बागी उस वक्त उस गांव में छुपे हुए थे। उन्होंने मेरे जिम्मे काम लगाया और मैंने उसे अंजाम दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम अपना काम करते हो, अपनी हुकूमत के मफादात के लिए। और मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया उस वक्त, अपना फर्ज समझ के। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, और अपने किए पर मैं माफी मांगने वाला नहीं। तुम माफी मांगोगे और यूनानी परचम को बोसा भी दोगे। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा, तुम मेरे सामने घुटनों पर जरूर झुकोगे। 20 साल वसीली, 20 साल से तुम इस रंजिश को अपने अंदर पाल रहे थे, लेकिन अब अगर तुम मुझे मार डालोगे तो क्या तुम में इंतकाम का जज्बा बाकी रहेगा? तस्कीन, रोह के मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, और वो था तुम्हारी मौत। अफसोस कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा जनरल वसीली। तुमने सारी जिंदगी उस मकसद के पीछे गुजार दी जिसका कोई हासिल नहीं है। निहायत अफसोस है मुझे तुम पर वसीली, अफसोस है। मेरी कौम ऐसा नहीं होने देगी, और ना ही तुम कर पाओगे। बहुत असलहा है वसीली, मेरे आदमी यहां आएंगे और उसी असलहे के जोर पर मुझे यहां से छुड़ा कर ले जाएंगे, देख लेना। कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अरे हां, याद आया, वो तुम्हारा बेटा आजकल कैसा है जनरल वसीली? मैं तुम्हें अपने हाथों से यहीं कत्ल कर दूंगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं उन सब तुर्कों की उम्मीद को तोड़ दूंगा जो उन तुर्क लोगों ने तुमसे लगा रखी है पाशा। फिर वो लोग किसी के पैरोकार नहीं बनेंगे। ये तुम्हारी आखिरी रात है अशरफ, क्योंकि कल मैं पूरी स्मिरनी को तुम्हारी मौत का तमाशा दिखाने वाला हूं, और तब तक तुम्हारी लाश लटकाऊंगा जब तक वो कल सड़ ना जाए और चील कवे उसे नोच के ना खा जाए। स्मिरनी से दहशत का खतरा टल गया। एक उस्मानी बागी अशरफ पाशा, यूनानी फौज ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। कर्नल जावेद ने उस उस्मानी बागी को गिरफ्तार किया है, और कमांडर जावेद ही अशरफ पाशा को सरेआम गोली मारेगा। उस्मानी बागियों की उमंगों का चिराग कल सरेआम बुझा दिया जाएगा। स्मिरनी से दहशत का खतरा टल गया, अशरफ पाशा गिरफ्तार। किसने लिखा है ये? खालिद इकबाल। इन तहरीरों से यूनानी फौज का कुछ नहीं होगा, रखो इसे। अली कमाल ठीक कह रहे हैं,
हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। किस तरह? हथियारों के जरिए महमत? अब हालिद इकबाल की तहरीरों की कोई अहमियत नहीं रही। माना हालिद इकबाल की कोई अहमियत नहीं, लेकिन हैदर भाई की तो है ना, जिन्होंने खुशी खुशी अपने वतन और परचम की खातिर अपनी जान दे दी। यूनानी जब चाहे जहां चाहे हमें मार देते हैं। कौन है? मैं उस्मान हूं। मेरे पास तुम लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। कौन सी खबर है? अशरफ पाशा गिरफ्तार हो गया है। ये क्या कह रहे हो तुम उस्मान? मैं सच कह रहा हूं महमद भाई, मैंने खुद अपने कानों से यह ऐलान सुना है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अशरफ कौन है? तहरीक के आजादी के सरबराह है। मेरी और महमद की जान भी उन्होंने बचाई है। जिसने असलहे के डिब्बू को तबाह किया और नाजली को यूनानियों से बचाया था, और अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। और तुम लोग जानते हो उन्हें किसने गिरफ्तार किया? किसने? किसने गिरफ्तार किया उसे? कमांडर जावेद ने। उनसे इस काम की तवक्को की जा सकती है। अब इस तरह खामोश रहने का कोई फायदा नहीं, हमें उनका मुकाबला करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हम पाशा को बचाएंगे, यूनानी हेडक्वार्टर पर हमला करेंगे और उन्हें वहां से निकाल लेंगे। बिल्कुल नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे, वो लोग तुम्हें वहां देखते ही गोली मार देंगे। अगर हमने कुछ ना किया तो वो पाशा को मार देंगे, इसलिए हमें पाशा को हर हाल में छुड़ाना होगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम मेरे साथ आओ, चलो। भाई कहाँ ले जा रहे हैं? बताता हूँ। भाई मेरे बाल से छोड़े दर्द हो रहा है। जाओ यहाँ से। अच्छा भाई मुझे छोड़ने तो सही। आज के बाद तुम इस सबसे दूर रहोगी। ये मुमकिन नहीं, खास तौर पर जब कमांडर जावेद ने अशरफ पाशा को पकड़ लिया। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है भाई। तुम अस्पताल जाओगी और अम्मी के साथ रहोगी, उन्हें शक नहीं होना चाहिए, और इस काम को मैं खुद देख लूंगा, तुम बेफिक्र रहो। समझ गई हो ना तुम? मुझे लगा आप हमारा साथ नहीं देंगे भाई। चलो शाबाश। अशरफ कहाँ है? अम्मी, आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। वो कातिल पकड़ा गया है और मैं घर बैठकर इंतजार करती रहूं? मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो। मिलने की इजाजत नहीं है, मैं आपको नहीं ले जा सकता, इसके लिए हमें इजाजत नामा चाहिए होगा। अच्छा ठीक है, जावेद वो कहाँ है? जावेद। मोहतरमा विरोनिका, अशरफ पाशा को तुमने पकड़ा है ना? जी मैंने ही पकड़ा है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे अदा करूंगी? मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया। कर्नल जावेद आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन यह खुशी तभी पूरी होगी जब आप अपने हाथों से उसे गोली मारेंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं कर्नल? जी लेफ्टिनेंट। एक बार मुझे अशरफ से मिल लेने दो। मैंने सारी जिंदगी इस आस पर गुजारी है कि अशरफ की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकूं। ऐसा नहीं हो सकता वेरोनिका, उससे कोई नहीं मिल सकता। जनरल आप इन्हें मेरी तहवील में भिजवा दीजिए, मैं उससे मिलवा दूंगा। ये लीजिए। जी बोलिए। क्या तुम्हारी अम्मी घर पर है? मुझे उनसे मिलना है। खुशामदीद आयजा मोहतरमा। जी शुक्रिया। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ बताइए?
दरअसल मुझे आपसे एक जरूरी काम है। मैंने सुना है कि आप भी एक नर्स हैं। कभी थी लेकिन अब नहीं हूं मैं। अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। जब से मैं किरीनिया से वापस लौटी हूँ तबीयत कुछ नासाज रहती है और काम नहीं हो पाता मुझसे। मैं ये समझती हूँ क्योंकि मैं भी एक नर्स हूँ, लेकिन मेरे पास आपके अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि इजमेर में सब मुझे जानते हैं। ओह, तो तुम भी एक नर्स हो? तो ठीक है, मुझे अपना मसला बताओ। अगर हो सका तो मैं जरूर मदद करूंगी। मुझे शक है कि मैं हामला हूँ, इसीलिए आपके पास आई हूँ। अब जब तुम आ ही गई हो तो मैं जरूर मुआयना करूंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलो अंदर चलो, आ जाओ। दरवाजा खोलो। मोहतरमा वेरोनिका मुजरिम से मिलना चाहती हैं। मैं भी इनके साथ होऊंगा, तुम जा सकते हो। जी ठीक है। तशरीफ लाइए। मोहतरमा, कहां रह गई आप? मोहतरमा आ जाइए। मोहतरमा, झुको, सुना नहीं इस औरत के सामने घुटने टेको। मोहतरमा आप खड़ी हो जाइए। अशरफ पाशा, क्या तुम उन माओ से मिले हो जिनके बच्चे कत्ल किए तुमने? बदकिस्मती से उनमें से एक माँ मैं हूं जिसका बच्चा कत्ल किया तुमने। बताओ मेरे बेटे को कैसे मारा? हाँ, किस तरह मारा तुमने दमित्री को? मैं बच्चों को नहीं मारता। अगर बच्चों के कातिल ढूंढने हैं तो यूनानियों में ढूंढो। झूठ मत बोलो। मेरे सामने तुमने पूरा गांव जला दिया। छोटे बड़े जवान औरतें हर किसी को जला दिया तुमने, बेरहम इंसान। तुम तो एक दरिंदे हो, तुम्हें इंसान भी नहीं कहना चाहिए। तुमने मासूम बच्चे को कैसे मारा? एक झूले में पड़े हुए बच्चे को कैसे मारा तुमने? मैंने पहले भी बताया है कि मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं मारा। इतने साल से तुम बेवजह का गुस्सा अपने दिल में लिए बैठी हो। झूठ बोल रहे हो तुम। वसीली ने खुद देखा है तुमने मेरे बेटे को मारा था। उसने खुद उसकी लाश देखी थी। उसने झूठ बोला तुमसे? तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हारा एक बेटा जिंदा है। मेरा तो पूरा खानदान मार डाला तुम्हारे लोगों ने। मोहतरमा चलिए। सिपाही जाओ, इन्हें जनरल वसीली के कमरे तक छोड़ाओ। वसीली,
तुमने झूठ बोला? झूठ बोला मुझसे? तुमने तो उसकी लाश देखी थी ना? तुमने दमित्री को अशरफ के हाथों कत्ल होते खुद देखा था ना? तुम्हें मेरी बजाय उस पर यकीन है वेरोनिका? तुम एक झूठे इंसान हो। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है मुझे तुमसे। मेरा बेटा जिंदा है, दमित्री जिंदा है, तुम्हारा बाप झूठ बोल रहा है। मेरा बेटा कहाँ है वसीली? लियोन अपनी माँ को घर ले जाओ। तुम मुझे मेरा बेटा वापस करोगे? ले जाओ इसे। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। नफरत है मुझे तुमसे वसीली, नफरत है। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पाशा, वो चाहता है कि मैं आपको मार डालूं, और उनका ये कहना है कि मैं अपने हाथों से आपको कत्ल करूं। अगर मुझे अपना ओहदा चाहिए तो ये शर्त रखी है उन लोगों ने। अगर तुम अपने ओहदे पर बहाल नहीं होते तो ये सब करने का क्या फायदा? मैं आपको फरार करवाऊंगा। जनरल अपनी ड्यूटी पर वापस आ गए हैं, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। इस वक्त आपको यहां से निकालना बहुत जरूरी है। मैंने अपने आदमियों को समझा दिया था कि मेरे बाद जावेद के हुक्म की तामील करना। वो तुम्हारे हुक्म के मुंतजर हैं जावेद। पाशा, आपके इस एतमाद के लिए शुक्रिया, एहसानमंद हूं। मैंने एतमाद नहीं किया, मैं तुम्हारी कमजोरी पर एतमाद करता हूं मगर तुम पर नहीं। मैं समझा नहीं पाशा। अगर मैं यहां से सही सलामत ना निकल पाया तो अगले दिन जनरल वसीली को एक खत मौसूल होगा जिसमें तुम्हारा तमाम कच्चा चट्टा लिखा होगा। इलियास को गोली मारने से लेकर अब तक तुमने जो कुछ भी यूनानियों के लिए किया उसकी तमाम रुदात तहरीर होगी उस खत में। तो किस्सा मुख्तसर यह है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है जावेद तो बचोगे तुम भी नहीं और तुम्हारे प्यारे भी नहीं बच पाएंगे। कत्ल कर दिया जाएगा उन्हें, यानी अगर मैं ना रहा तो तुम्हारा भी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाओगे। ऐसी नौबत नहीं आएगी पाशा। बहुत खूब जावेद, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बेशक इंसान के लिए खानदान हर चीज से ज्यादा कीमती होता है। वतन से भी ज्यादा पाशा। सिपाहियों, इस पर नजर रखना। मुबारक हो तुम्हें बेटी, तुम हामला हो। तुम इतना परेशान क्यों हो गई हो बेटी? खुदा से दुआ मांगो, वो तुम्हें प्यारा सा बेटा अता करे। Thank you.
कर्नल जावेद के बारे में कोई खबर है क्या? वो पकड़ा गया? कर्नल तौफीक, कमरे में चले। अब तुम्हारे जहन में हजारों सवालात पनप रहे होंगे तौफीक। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जावेद, यही कि तुम कैसे उस्मानी फौज से यूनानी फौज में चले गए, उनकी नजरों से गिरे और फिर किसी तरह उनका एतमाद जीत लिया। अशरफ पाशा पकड़ा गया, मैंने उसे उनके हवाले कर दिया है, कल उसे फांसी हो जाएगी। अशरफ को तुम पकड़ने वाले थे ना, मगर मैंने तुमसे पहले उसे पकड़ लिया तौफीक। तुमने हमेशा मुझसे पहले बाजी मारी है जावेद। खैर छोड़ो, अच्छी बात यह है कि वो आदमी पकड़ा गया है। तुम तो मुझे जानते हो तौफीक, मेरा फर्ज मेरा एहसास है, तो मैं अपनी वर्दी किसी और को कैसे पहनने दे सकता हूं भला? मुझे जब जो जरूरी लगा मैंने वही किया, अब जबकि मैं आ गया हूं तो तुम्हें मेरे कुनबे की देखभाल की जरूरत नहीं। सुना भाई? यह फैसला अब तुम्हारा नहीं है जावेद, यह फैसला मेरा भी नहीं, क्योंकि बात अब आयजा के फैसले पे आकर ठहरेगी। आयजा ने मुझसे मदद मांगी थी, मुझसे उसने सहारा मांगा था जावेद, मैं उसे कैसे अकेला छोड़ दूं? मुझ पर एतमाद है उस औरत को कि मैं उसकी मदद करूं। तुम अपने हिस्से का काम कर चुके हैं, अब खामखा खुद को तकलीफ मत दो। मुझे खुद पर एतमाद है जावेद, अगर आयजा ने मुझे मौका दिया तो मैं खुद को उसके एतमाद के भरोसे की खातिर कुर्बान करने से भी दरेक नहीं करूंगा। क्या आपके पास कमांडर जावेद के बारे में कोई मालूमात है? तौफीक? आयजा, खैरियत है? सब ठीक तो है ना? नहीं,
मैं बस यहां जावेद के बारे में पता करने आई थी तौफीक। कर्नल जावेद ने अपनी कामयाबियों में एक और इजाफा कर लिया। इन्होंने अशरफ पाशा को गिरफ्तार करवा दिया है। तौफीक, अब आपको यहां रुकने की जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। आप मेरे कमरे में आ जाएं। मैं अब मफरूर नहीं हूं, जिला वतन नहीं होऊंगा। क्या तुम खुश नहीं? क्यों खुश होना चाहिए? मुझे तो अफसोस हो रहा है तुम पे। तुमने अशरफ पाशा को यूनानियों के हवाले कर दिया, जिसने हमारी बेटी की जान बचाई। ये वही है जिसने लोगों को उम्मीद दिलाई और नाजिली में यूनानियों को शिकस्त दी और कमांडर जावेद की शान में क्या कहा जाए, जानिसार, हिम्मत वाला, निडर या कुछ और। शर्माती है तुम पर, अपने ही वतन का सौदा कर डाला तुमने। अफसोस। क्या आप ये कहने आई हैं? नहीं, मेरे यहां आने की वजह कुछ और। मैंने ये कहना था जब पता चला तुम पकड़े गए हो, बहुत सुकून मिला, लेकिन तुम फिर बच निकले। तलाक का ये फायदा हुआ कि तुम्हारे नाम के ताने नहीं मिलते मुझे। तौफीक से शादी मत करो। ये तुम्हारा मसला नहीं है जावेद। ठीक है, मगर बाप होने के नाते मुझे मसला है। जब तक मैं जिंदा हूं शादी की इजाजत नहीं दूंगा। खास तौर पर जब तुम गुस्से में फैसला करोगी तो मैं इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। क्या कहा, गुस्सा? तुम तो मेरे गुस्से के भी लायक नहीं हो। तो इस शादी की वजह क्या है फिर? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं अपने फर्ज से मोहब्बत करता हूं। जवाब दो मुझे। आज तक तुमने मेरे किसी सवाल का जवाब दिया जो मुझसे किसी जवाब की उम्मीद रखते हो कमांडर जावेद? मैं यह आखिरी बार कह रही हूं, अब हमारे मामलात में मुदाखलत करना बंद करो। मेरे बच्चों से दूर रहो, यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारा चेहरा देखना तो दूर, मैं तुम्हारा साया भी बर्दाश्त नहीं करूंगी।